अभी जो एग्जिस्टिंग हमारा वे ऑफ स्टडीइंग है या जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें कोई फन एलिमेंट नहीं है। अगर उसमें फन एलिमेंट आ जाए, आप पढ़ते पढ़ते हंसते भी रहो, मजा भी आए और याद भी हो जाए और उसको ना भूले, पॉसिबल है? सब कुछ पॉसिबल है। और पॉसिबल ही नहीं है, आसान है। हाँ, इसको बार बार बोलते रहना अपने दिमाग में, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो अब जरा आराम से समझने की कोशिश करते हैं कि हम सीखते कैसे हैं। ऐसा क्या होता है जो एक बार हमको याद हो जाता है और हम उसको भूलते नहीं हैं? ट्रेजेडी। वन इज ट्रेजेडी, सेकंड इज पहला प्यार। कुछ चीजें ऐसी होती है जो दिमाग में छप जाती है, जैसे थ्री इडियट्स की कहानी। मूवी देखी है सबने, थ्री इडियट्स? हाँ, तो उसकी पूरी कहानी याद है? उसके लिए कुछ रट्टा मारने की जरूरत तो नहीं है। इस मूवी में जो बढ़िया मूवीज होती हैं या हमारी लाइफ में जो भी कुछ बढ़िया होता है, कुछ मेमोरीज होती है, बढ़िया मेमोरीज या बहुत खराब मेमोरीज, इन सब में क्या कनेक्शन है? ये सब कहानियां हैं जिन चीजों में आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं, उन मोमेंट्स को हम भूलते नहीं है जल्दी से। थियोरेटिकली जिसको हम याद करते हैं और भूल जाते हैं, मतलब एक तरीके से उसमें कोई रस नहीं है। कितना अच्छा वर्ड है ना, मतलब कोई रस आना चाहिए, समझ गए ना, मतलब कुछ मजा आना चाहिए अंदर, कुछ ऐसी सेंसेशंस होनी चाहिए कि कोई कमाल का एक्सपीरियंस हो। इट इज नॉट जस्ट अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल, आज आप जिस घर में रहते हो, इससे पहले हो सकता है आप किसी और घर में रहते थे बचपन में, तो उस घर की यादें आपके पास में है? कि घर कहाँ था, कैसा था, कहाँ से सीढ़ियाँ थी, याद आ रहा है सब कुछ? सब कुछ दिमाग में वैसा का वैसा है, फ्रेश है, मतलब पुराना नहीं हुआ है और बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है। उस घर में मेरे को वहाँ पर चोट लग गई थी, मैं वहाँ पर गिर गई थी सीढ़ियों से, मेरी जो मम्मा है वो मुझे उस डॉक्टर के पास में लेकर के गई थी, फिर उस डॉक्टर ने वो इंजेक्शन मुझे लगाया था पिछवाड़े पे, फिर फिर उसके बाद में उसने लालच दिया था कि मैं क्या करूँगा, इस सिरिंज निकाल करके तुमको इंजेक्शन दे दूंगा खेलने के लिए। समझ रहे हो, ऐसी सी कुछ यादें होती हैं जो जुड़ी हुई हैं। ये मैं अपनी कहानी बता, वो क्या करता था, सिरिंज निकाल के, वो जो सुई थी उसको निकाल के फेंक देता था डॉक्टर, और वो इंजेक्शन मेरे को दे देता था, तो वो मेरे पास इकट्ठे हो जाते पानी भर के, व्हाटएवर। तो देख रहे हो, ये सब याद है, छपा पड़ा है कि मैं किस घर में रहता था, वहाँ पर ऊपर एक आंटी रहती थी, वो डोसा बड़ा अच्छा बनाती थी, व्हाटएवर। तो ये सब चीज़ें दिमाग में छपी हुई है, ऐसे ही आपकी भी छपी हुई होंगी। मैं जो अभी बोल रहा हूँ वो आप भूल जाओगे, लेकिन अपना खुद का नहीं भूल सकते। तो नंबर वन, पढ़ाई में जो भी कुछ लिखा हुआ है, थ्योरी है, उसको थियोरेटिकली नहीं समझना है, फालतू की कहानियां नहीं बनानी है, उस कहानी को खुद से जोड़ना है। अब इसके एक लेवल और डीप में चलते हैं, पढ़ाई है क्या, पहले इसको समझते हैं। जो हम पढ़ते हैं सुबह से रात तक, वो क्या है? उसमें तीन चीजें हैं। एक है वर्ड्स, आपकी बुक्स में क्या है? वर्ड्स। इंटरनेट पे आप क्या पढ़ते हो? वर्ड्स। बुक में पढ़ा, एक वर्ड का मतलब समझ नहीं आ रहा, गूगल पे जाकर के सर्च कर रहे हो, क्या सर्च कर रहे हो? वर्ड। उसका मतलब निकल करके आ रहा है, वो क्या है? वर्ड। ठीक है, उन वर्ड से रिलेटेड इमेजेस माइंड में पड़ी होती है। वर्ड्स अपने आप में समझ नहीं आते हैं। अगर कोई ऐसा वर्ड हो जिसकी कोई इमेज माइंड में पड़ी ही नहीं है, तो आपको समझ ही नहीं आएगा ये क्या है। तो आप समझ नहीं सकते तो याद कैसे करोगे? चैलेंज हमारा क्या है, ये पकड़ में आ रहा है ना? हाँ, कि याद करना है और इस तरीके से याद करना है कि उसको हम भूले ही ना। एक है वर्ड्स, दूसरे हैं नंबर्स, है कि नहीं? नंबर्स। तीसरा क्या है? सिंबल्स। तो अगर किसी तरीके से इन नंबर्स के साथ में हम कुछ इमेजेस को जोड़ दें और उन इमेजेस के साथ में कहानी जुड़ी हुई हो, जिस कहानी का हीरो मैं हूं, तो इस कहानी के बेस पे हम कोई भी नंबर याद कर सकते हैं। सिंबल्स को उसमें कन्वर्ट कर दें तो सिंबल्स से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कोई फॉर्मूला है उसको हम याद कर सकते हैं। सो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी एक कहानी बना लेते हैं अपने माइंड में। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप कुछ देर के लिए अपनी जो आंखें हैं वो आप बंद कर सकते हो। मैं आपको बोलता जाऊंगा, आप इमेजिन करते जाओगे, उस कहानी में मैं नहीं होऊंगा, आप होगे। जो मैं बोल रहा हूँ उसको जितने अच्छे से आप इमेजिन करोगे और जितने अच्छे से एक्सपीरियंस कर पा रहे होगे, उतना ही ये कहानी आपके अंदर उतर जाएगी। फिर इस कहानी से आप अपने किसी भी सब्जेक्ट को जोड़ सकते हो।
तो सबसे पहले 1 से 10 तक के जो नंबर्स हैं उसकी हमको कहानी बनानी है. 1, अब यहां पर हमको राइमिंग कोई वर्ड्स पकड़ने होंगे. 1 रन. तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं 1 घंटे से भाग रहा हूं पागलों की तरह. मैं मतलब आप, आपका मैं, पूरी बॉडी में स्वेटिंग हो रही है, लेकिन उस स्वेटिंग में से बदबू नहीं आ रही है, खुशबू आ रही है. मतलब कि मेरा जो स्वेट है उसमें से परफ्यूम की खुशबू आ रही है, मतलब जो बढ़िया से बढ़िया परफ्यूम है मार्केट में उससे भी बढ़िया. और मैं इस वजह से भागे ही चले जा रहा हूँ, क्योंकि जितना मैं भाग रहा हूँ उतना पसीना आ रहा है, और जितना पसीना आ रहा है उतनी खुशबू आ रही है. तो इस खुशबू की वजह से मैं भाग रहा हूँ. अब आते हैं 2 पे. 2 सुनते ही लू भी आ रहा है. हाँ राइट, मेरे भी माइंड में दो वर्ड्स आ रहे हैं इस वक्त, लू आ रहा है और जू आ रहा है. जू पकड़ लेते हैं. जू, टू जू. एक जू में मैं गया हूं और ये जू बड़ा ही अजीब है. इस जू के अंदर सिर्फ 2 पिंजरे हैं. जू बहुत बड़ा है लेकिन जू में सिर्फ 2 पिंजरे हैं, और एक पिंजरे के अंदर एक बंदर है और एक बंदरिया है, और दूसरा पिंजरा खाली पड़ा है, और वो दोनों डांस कर रहे हैं. लेटेस्ट गाना कौन सा है, हम्मा हम्मा जो गाना आया है उसके ऊपर वो दोनों डांस कर रहे हैं. जो बंदरिया है उसने पिंक कलर की एक ड्रेस पहनी हुई है और बंदर नंगा है. इतनी देर में जू के कुछ ऑफिशियल्स आए और मुझे उठा करके उन्होंने दूसरे पिंजरे में डाल दिया, और अब मैं पिंजरे के अंदर फंसा हुआ हूं. अपने मैंने हाथ बाहर निकाले हुए हैं लेकिन सामने डांस भी चल रहा है तो एंजॉय भी कर रहा हूं, और जो लोग वहां पर आ रहे हैं वो मुझे देख करके एंजॉय कर रहे हैं. ये कैसा जानवर है. इसके साथ में आप और भी अपनी फीलिंग्स को जोड़ सकते हो, वो आपकी अपनी इमेजिनेशन है. उसको वहां पे स्मेल कैसी आ रही है, क्या आवाजें आ रही हैं, वहां पे क्या दिख रहा है, किस कलर्स का दिख रहा है, क्या फॉर्म्स दिख रही हैं, उसको आप पूरे तरीके से इमेजिन कर सकते हो. और बड़ा आसान है इमेजिन करना क्योंकि हमने ये सब चीजें कहीं ना कहीं देखी है. आगे बढ़ते हैं. 2 जू, 3 ट्री. चलो इसकी भी कोई कहानी बनाते हैं बढ़िया सी. मैंने अपनी एक रेगिस्तान वाली कहानी सुनाई थी पावर ऑफ फोकस वाले सेशन में, कि रेगिस्तान में आप खोए हुए हो, भाग रहे हो इधर से उधर, पागल हुए पड़े हो, पानी की एक बूंद तक नहीं मिली और 3 दिन हो गए. और 3 दिन बाद रेगिस्तान में जहां पर सिर्फ रेत है और आसमान है, वहां पर आपको 3 पेड़ नजर आए. उन 3 पेड़ों के ऊपर 3-3 आम लगे हुए हैं, और आप भागते हुए गए और आपने वहां पर फटाफट से उस पेड़ पर चढ़े, आम तोड़े, और अब आप आम खा रहे हो मजे से. वो जो एक ऐड आती है ना कैटरीना कैफ वाली, वैसा कुछ इमेजिन कर सकते हो. रसिया. आगे बढ़ते हैं. 4 डोर. 4 डोर. आप 4 दरवाजों के सामने खड़े हुए हो. पहला दरवाजा है सबसे छोटा, बहुत छोटा दरवाजा, इतना छोटा दरवाजा कि उसमें आप घुस नहीं सकते अंदर, 1 फुट का. वो है लोहे का दरवाजा, सबसे सस्ता. उसके साथ में एक दरवाजा है वो बड़ा है, 2 फुट का है, वो है चांदी का दरवाजा. उसके साथ में एक और दरवाजा है वो और बड़ा है, वो है सोने का दरवाजा, 3 फुट का. सोचो कितना भारी होगा, कितना महंगा होगा. किसी तरह से दरवाजा आपके हाथ लग गया, पढ़ाई वढ़ाई आप अभी छोड़ सकते हो चाहो तो. ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन क्योंकि एक इमेजिनेशन है तो उसको वहीं तक रखते हैं. 4th दरवाजा. पहला है लोहे का, दूसरा है चांदी का, तीसरा है सोने का, 4th दरवाजा है डायमंड्स का, 4 फुट का बड़ा दरवाजा. उसमें डायमंड्स लगे हुए हैं बहुत सारे, चमक रहे हैं, उस पर सनलाइट पड़ रही है, उसमें से रेज निकल रही है, चमक रहा है, और आप उस दरवाजे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो. आगे बढ़ते हैं. 5 हाई. बी हाई होता है मधुमक्खी का छत्ता. आप इमेजिन करो कि मधुमक्खी का छत्ता आपके घर में लगा हुआ है, आपके घर में जो किचन है वहां पर, ठीक जो गैस है ना उसके ऊपर. जब भी गैस ऑन होती है, फिर चाहे वो आप करो चाहे आपकी मदर करे, उसमें से 5 मधुमक्खियां निकल करके आती है और आपकी जो 5 उंगलियां हैं उसके ऊपर आकर के बैठ जाती है और काटने लग जाती है. ये हो गया 5. 6. 6. सिक सिक. हाँ सिक आ रहा है माइंड में, अगर जल्दी बोलो तो सिक सिक. हाँ राइमिंग हो गया. आप बीमार हो, बहुत तेज बुखार है, और बुखार भी इतना जिसमें नॉर्मली लोग मर जाते हैं, 106.
छह लोग पकड़ करके आपको एक डॉक्टर के पास में ले गए और डॉक्टर ने छह इंजेक्शन एक के बाद एक धड़ 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 लगाए और आपका बुखार उतर गया। ये थी हमारी छह नंबर की कहानी, सिक्स सिक सेवन हेवन। हाँ हेवन सही आ रहा है। हेवन से क्या आता है? स्वर्ग। स्वर्ग से माइंड में क्या आता है? अप्सराएं। जो लड़कियां हैं वो कुछ और सोच सकती हैं। तो आप बाहर एक मैदान में खड़े हुए हो और आपके सामने अभी अभी बारिश हो के चुकी है और एक रेनबो निकला हुआ है, तो उस रेनबो में से वो सात अप्सराएं निकल करके आपकी तरफ आ रही हैं उड़ती हुई आराम से, वो पंख लगाए हुए। और वो जो सात अप्सराएं हैं वो आपकी फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं, और उसमें से जो आपकी फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेस है वो आपके पास में आई और उसने अपना हाथ आगे कर दिया और आपने उसका हाथ पकड़ लिया और वो सात और आप एक हमेशा के लिए एक हो गए। मुझे कभी होना चाहिए था, ये सब क्या कर रहा हूं मैं। आगे बढ़ते हैं। एट वेट, एट वेट, आपका जो वेट है वो बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि आपने आठ आठ इंच के आठ रसगुल्ले खा लिए। अरे वाह, आठ इंच का रसगुल्ला, सोचो कैसा होगा। एक होता है एक मजा नहीं आ जाएगा, उल्टिया करोगे, डॉक्टर पिछवाड़े में छह नहीं लगाएगा आठ लगाएगा आपकी बात। तो आठ आठ इंच के आपने आठ रसगुल्ले खा लिए, जिसकी वजह से आपका जो वेट है वो आठ किलो बढ़ गया। उन रसगुल्लों को आप इमेजिन कर सकते हो, यू एट, ए टी ई वाला एट, ई आई जी एस टी वाला रसगुल्लास, बिकॉज ऑफ विच योर वेट इंक्रीज्ड बाय एट, ई आई जी एस टी वाला केजीज, केजी वाला। ठीक है, बन गई कहानी, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। नाइन लाइन, लाइन ये कौन है लाइन मारने वाली बंदी? नाइन वाइन, हाँ वाइन, वाइन शराब, जब अप्सराएं आ गई तो वाइन मिला चाहिए। नौ वाइन के ग्लास एक के ऊपर एक पड़े हुए हैं और आपके नौ दोस्त वहां पर खड़े हुए हैं, वो आपको फोर्स कर रहे हैं वाइन के ग्लास पीने के लिए और आप मना कर रहे हो। आप कह रहे हो नो, हाँ अबे बन गया नो, नो नो, ये सही बना है। नौ वाइन के ग्लास एक के ऊपर एक पड़े हैं, वो आपको फोर्स करे जा रहे हैं, आप पीते नहीं हो, आप बड़े शरीफ हो, आप सिर्फ अप्सराओं के साथ में रहते हो लेकिन शराब नहीं पीते हो। नो शराब, नो। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। टेन, डेन, हाँ डेन, डेन मतलब डी ई एन, डेन, एक शेर की गुफा है। हाँ ठीक है, आप अंदर गए और जा करके देखो सामने से दस शेर आपके सामने हैं और उन्होंने दस के दस ने आपके ऊपर अटैक कर दिया। आप अकेले हो, निहत्ते हो, मतलब आपके पास में कोई हथियार भी नहीं है, लेकिन फिर आपको मेरा एक सेशन याद आया, आपने कहा अपने अंदर ही अंदर बोलना शुरू किया, आसान है आसान है आसान है आसान है आसान है, और आपके अंदर पता नहीं कहाँ से शक्तियाँ आई और उन दस से आप अकेले लड़ने लग गए। एक को किक मारा, एक को पंच मारा, एक को ये, एक को चाटा ही मार दिया जाकर के, तेरी तो मुझे खाएगा अगले पटा, और उनको सबको उठा करके आपने उन्हीं की गुफा से बाहर फेंक दिया और आप वहां पर गुफा में आराम से बैठे हो और उसकी शेरनी के साथ में रह रहे हो। बस मैंने ये कहा रह रहे आगे कहानी बन चुकी है, आप लोग अपनी आंखें धीरे धीरे खोल सकते हैं। फाइव बोलो भाई, ये कैसे याद हो गया? मैं कुछ भी बोल सकता हूं, वर्ड बोल सकता हूं, आपको नंबर बताना है, नंबर बोलूंगा आपको वर्ड बताना। एट, टू, डेन, थ्री, ये भी याद हो गया। अगर वैसे हम याद करते हैं इसको तो कितनी देर लगती है दस वर्ड्स को याद करने में? हमें दस वर्ड याद हो गए और विथ सीक्वेंस याद हो गए हैं और आपको एक एक करके नहीं आना पड़ रहा है, नहीं तो आपको कैसे आना पड़ता? मैं आपसे पूछता सेवन, इतनी जल्दी कैसे बोल दिया? अगर वैसे याद करते जैसे हम करते हैं तो कैसे याद करते? वन पे ये था, टू पे ये था, थ्री पे, फोर पे क्या था, फाइव पे, सिक्स पे, सेवन, पता नहीं है कि नहीं? हाँ, अभी क्या हो रहा है? सेवन हेवन, और हेवन से आगे आगे बढ़े। हाँ हाँ, क्या हुआ था? कहानी भी याद है, मतलब आपको सिर्फ वर्ड ही याद नहीं है, कहानी भी याद है। देखो हो क्या रहा है, ये मैंने एक बार सुनाया आपको,
मतलब इसको अगर आप अपने माइंड में 3-4 बार 5 बार अगर प्ले कर लिया तो सोचो क्या होगा, मरते दम तक नहीं भुला पाओगे इसको। ट्री, वाह जी आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो यार, लगते शक्ल से बोंदू लगते हो। स्वेटिंग, थ्री, मतलब मैंने भी वर्ड नहीं बोला, मैंने कहानी का एक छोटा सा एस्पेक्ट बोला, आपको वो तक याद है। मतलब मैं कुछ भी बोलूंगा, चाहे मैं कहानी बोलूं तो आप बता दोगे इमीडिएटली कहानी से कहाँ आओगे, वर्ड पे आओगे, वर्ड से आओगे आप सीधा नंबर पे, नंबर बोलूंगा तो आप वर्ड पे आ जाओगे, वर्ड से आप कहानी पे, मतलब कहीं भी घूम सकते हो। अब कुछ भी याद करना है, फॉर एग्जाम्पल कोई ईयर याद करना है, जैसे अभी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे अकबर कब पैदा हुआ था, कौन से ईयर में पैदा हुआ था बताओ। हाँ एनीबडी, कितने निकम्मे हो आप लोग देखो, और फिर कहते हो कि भाई हमारे नंबर क्यों नहीं आते, कुछ याद ही नहीं है आपको, मुझे भी नहीं पता, मैं तो सबसे बड़ा निकम्मा हूं। अकबर सोचो, द एम्परर अकबर, जिसकी हमने इतनी कहानियां सुनी, अकबर बीरबल, तो उसके अलावा जो जलालुद्दीन सिद्दीकी था वो तो पता नहीं कब पैदा हुआ था। इसके थ्रू याद करने की कोशिश करते हैं, पहले देखो जरा इंटरनेट पे कहीं पे क्या, कौन सा ईयर ऑफ बर्थ, खोल लो मोबाइल। सिर्फ थियोरेटिकली नहीं समझना है, प्रैक्टिकली कैसे करना है। 1542 अक्टूबर 15, ठीक है 1542 अभी ईयर तक रहते हैं, ईयर हमको याद करना है और ऐसा याद करना है कि जिंदगी भर भूले ही ना, एंड में जब जा रहे होंगे बेटे वसीयत हो गई अकबर 1542। भागता हुआ अकबर के सामने छत्ता आया भिहाई, और उसके बाद उसको एक डोर मिला जिसको खोलकर वो जू में पहुंच गया। देखो इसमें आपने एक छोटी सी गलती कर दी, वो मैं यहाँ पे करेक्ट करूंगा, अकबर भाग रहा है तो उस कहानी में इतना मजा नहीं है, मैं अकबर हूं और मैं भाग रहा हूं, अब आएगा मजा, अब फील आएगी थोड़ी सी। बनाते हैं कहानी, बनाते हैं। वन रन, कौन भाग रहा है, मैं भाग रहा हूं, मैं कौन हूं, अकबर। अकबर कौन है, द ग्रेट एम्परर। अगला क्या है, 1 5, हाँ 5 हाइव, ओबे मधुमक्खी का छत्ता, और आप भाग रहे हो, भागते 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 एकदम से आप कहाँ पहुंच गए, अपने घर की किचन में पहुंच गए, आपकी मदर ने देखा ओबे अकबर कहाँ से आ गया, और मदर ने इज्जत से, मदर ने आपके आपके फादर ने आपके सामने सर झुका दिया, सर झुका के खड़े हुए, लेकिन आपको भूख लग गई है क्योंकि आप इतनी देर से भाग रहे हो, तो उस भूख की वजह से आपने क्या किया, गैस ऑन कर दी, जैसे ही गैस ऑन करी तो क्या हुआ, मधुमक्खी आ गई, और अब आपको फिर भागना पड़ रहा है उन मधुमक्खियों से बचने के लिए, तो आप भाग रहे हो, ठीक है। आगे क्या था, 1 5 4 4, डोर, एक दरवाजा है 4 फुट का, उसको आपने खोला और फटाफट से उसके अंदर चले गए, डायमंड के दरवाजे के अंदर, कौन है, अकबर। आगे क्या है, टू जू, ओ तेरी, ये मेरे साथ में क्या हो गया, मैं अकबर हूं, और मैं उस दरवाजे में जैसे ही घुसा मुझे पता लगा वो जू का दरवाजा था, मैं जू में चला गया, और क्योंकि आज के टाइम में कोई अकबर की ऐसी ड्रेस पहनता नहीं है, तो उन्होंने मुझे उठाया और उठा करके अंदर डाल दिया। तो आपको अंदर कर दिया और आप चीख रहे हो, आप बाहर निकालो, लेकिन साथ साथ में आपको मजा भी आ रहा है क्योंकि आपके सामने दूसरे पिंजरे में डांस चल रहा है। बंदा ने क्या कपड़े पहने हुए हैं, नंगा, शर्म नहीं आ रही नंगा बोलने में, लेकिन बदरिया फैशन, फैशन स्टेटमेंट, पिंक कलर की ड्रेस, शॉर्ट्स, हम्मा हम्मा डांस, हाँ इसको फील कर सकते हो, मैं बंदर का डांस क्यों कर रहा हूं। अब ऐसे आप पूरे तरीके से उस कहानी में इन्वॉल्व हो जाओ। अभी किसकी कहानी है, अकबर की कहानी नहीं है, मेरी कहानी है। अब बताओ जी अकबर कब पैदा हुआ था, अब कभी भूल सकते हो अकबर की डेट ऑफ बर्थ, मरते दम तक नहीं भूलोगे। ऐसे आप कुछ भी याद कर सकते हो, कोई भी नंबर याद कर सकते हो। अब अगर वर्ड्स को याद करना है तो कैसे करेंगे, देखो एक चैप्टर है उसमें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, मान लो 10 स्टेप्स की कोई प्रोसेस है, अगर उस हम प्रोसेस को याद करते हैं तो बड़ा बोरिंग भी हो जाता है और उसको याद करने में बहुत दिक्कत आती है, याद नहीं रहता कि अच्छा स्टेप 5 पे क्या था, बीच में मिस हो जाता है। ये रिलेट कर पा रहे हो आप सब लोग, यस और नो, तो अभी 10 स्टेप्स प्रोसेस है कि पहले ये होता है, क्या होता है, बीकर मान लो, उसको अगर हम जोड़ दें 1 से क्योंकि वो पहला स्टेप है, तो मैं
भाग रहा हूं, सपोज ये अकबर वाली कहानी आपको बड़ी अच्छी लग गई, तो इसी को जोड़ दो उसके साथ में, मैं अकबर हूं और मैं भाग रहा हूं हाथ में एक बीकर लेकर के। बीकर में केमिकल डाला, उस केमिकल का कोई नाम होगा, जैसे मान लो हाँ AGCL वाइट प्रेसिपिटेट। भाई इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं। H2SO4, ठीक है। H2SO4 कौन से कलर का होता है? कलरलेस होता है। तो कलरलेस क्या होता है? पानी। टू जू, भागते भागते एक जू में पहुंच गए और जू में आपको एक नल दिखी, उसमें से आपने पानी खोला, उसमें से पानी निकला, उस बीकर में से आपने पानी पिया, तो आपको पता लगा कि ये पानी नहीं है तो कुछ और है, उसमें H2SO4 था। इसके साथ में क्या जुड़ गया? ट्रेजेडी। समझ गए मैंने क्या जोड़ा है अभी यहां पर ला करके? ट्रेजेडी को जोड़ दिया है। या तो मजे को जोड़ो या ट्रेजेडी को जोड़ो, दोनों तरफ से आपको याद रहेगा। आपने पिया और आपकी जीभ जल गई, जीभ है ही नहीं अब आपके मुंह में, अब कैसे बोलोगे? बिना जीभ के कैसे बोलते हैं? उसको पिंजरे में डाल दिया है, वो बाहर आना चाहता है लेकिन जीभ जल चुकी है। तो अब उन्होंने क्या किया, वहां पे जो ऑफिशियल्स थे उनको समझ आया, उन्होंने कहा कि यार ये जो बंदा है ना, बंदा नहीं ये जो जानवर है हाँ, जिसकी जीभ भी नहीं है और पता नहीं कौन सी भाषा में बोलता है, ये बोलता ही रहता है, आप क्या बोल रहे हो मुझे बाहर निकालो, मैं तो बाहर निकालो, व्हाटएवर। वो जो ऑफिशियल था उसको गुस्सा आया, उसने उठा करके आपको बाहर रेगिस्तान में फेंक दिया। थ्री ट्री, आपको वो तीन पेड़ दिख गए हैं, उस पर आम है, लेकिन उन आमों को तीन तीन आम लगे हुए हैं तीनों पेड़ों पर, लेकिन उन आम को आप टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि टेस्ट करने के लिए जीभ चाहिए होती है, हाँ तीन दिन से प्यासे हो, लेकिन उस आम में से रस की बजाय कोई और केमिकल निकला। Why not? समझ गया ना? H2SO4 ट्रांसपेरेंट है तो वो पानी से लिंक हो गया, यहाँ पे कोई और केमिकल निकला, मानो लाल रंग का कोई केमिकल है, रेड कलर का कौन सा केमिकल होता है? ब्रोमाइट। अरे बड़े इंटेलिजेंट हो आप तो। पीछे से किसी ने बोला। अच्छा पीछे से किसी ने बोला, जो भी होता है मुझे पता नहीं है, अभी कोई स्लैंग लैंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मेरे को जूते पड़ेंगे। हाँ कोई गाली गलौज तो नहीं है ना? ब्रोमाइट हाँ होता है ना, केमिकल है ना, हाँ कोई और चीज ना हो कहीं मेरा मजाक बन जाए पूरी दुनिया में कि ये क्या बोल रहा है। तो आपने क्या किया, ब्रोमाइट रेड कलर का होता है, तो आम में से जैसे ही आप पी रहे हो तो उसमें से आम रस नहीं निकल रहा है, खून निकल रहा है लाल रंग का, उसको पिया तो अब आपके दांत निकल आए हैं ड्रैकुला वाले, क्योंकि अब आप इंसान नहीं रहे, अब आप ड्रैकुला बन चुके हो और अब आपको जिंदा रहने के लिए पानी नहीं चाहिए, खून चाहिए। अब एक्चुअल में सोच सोच करके कहीं सही में कोई ड्रैकुला ना बन जाए, कहीं रात को निकल जाए करे। हेलो इंडिया में आजकल ये क्या हो रहा है, एक नया ट्रेंड देखा गया है जब से वीडियो अपलोड हुई है, लोग रात को निकल जाते हैं खून की तलाश में। तो प्लीज भाई साहब ऐसा कुछ मत करना, डायमंड का डोर, ये मेरे बेटे को किसने पागल कर दिया, बेचारा अच्छा खासा था, फेल होता था कोई बात नहीं, कम से कम ठीक तो था, अब तो कभी खून ढूंढता रहता है, कभी डायमंड का दरवाजा ढूंढ रहा है। समझिए ना, ऐसे कहानी बनेगी, फोर डोर, तो उसमें आप ढूंढ रहे हो खून लेकिन मिला कोई और केमिकल, तीसरा केमिकल, जैसे सोडियम फॉस्फेट होता है ना ये कुछ, अच्छा ठीक है सोडियम, सोडियम तो होता होगा, जो भी होता है वो अब आप लोगों का डिपार्टमेंट है, मेरा नहीं है। फोर डोर, आप खून ढूंढ रहे हो, उसमें गए आपको कहीं से खून टपकता हुआ मिला, आपने ऐसे करके खड़े हो गए, खून पी रहे हो हाँ, लेकिन वो खून नमकीन है, उसमें नमक है, आया मजा है ना, और आप चीख रहे क्या खा लिया, वैसे आप इंसान तो रहे नहीं, एक ऐसा जानवर बन चुका जिसकी जीभ नहीं है, कितनी गरीब कितनी भयानक ट्रेजेडी है, मुझे लग रहा है आपके ऊपर कोई मूवी ना बन जाए। जीव है नहीं, खून ही बन चुके हो और वो भी नमक का खून मिल रहा है। हाँ फिर आपने क्या किया, उसको सेपरेट किया, क्योंकि ये भी प्रोसेस का एक पार्ट है, होता नहीं है पहले मिक्स किया फिर सेपरेट किया, ये अजीब अजीब सी चीजें होती है ना, तो पांचवे में जाकर के वो सेपरेट होगा, मतलब नमकीन खून आपने उसको इकट्ठा कर लिया अपने उस बीकर में और फिर अब आपको उसको सेपरेट करना है, तो सेपरेट कैसे करोगे, उसको उबालना पड़ेगा ना बीकर को, उसको गर्म करना पड़ेगा, तो गर्म कहाँ होता है, किचन में होता है ना, नहीं सर
उसको आप गर्म कर रहे हो सेपरेट कर रहे हैं ना, सिक्स प्रोसेस है ना ये, तो सॉल्टेड ब्रेड फोर के बाद, अभी डोर तक थे ना हम, डोर में थे ना, दरवाजे में आप अंदर घुसे थे, आपके साथ में याद है ना अभी क्या हुआ था, याद है सर, डोर से अंदर गए थे, हाँ हम नहीं आप, हाँ क्या हुआ था आपके साथ में, सॉल्ट वाला ब्रेड पी लिया, थोड़ा बुरा हुआ आपके साथ में, क्यों किया आपने ऐसा, क्यों नमकीन खून पीते हो आप, किचन में पहुंच गए अपने घर की किचन में अकबर की ड्रेस में, और उसको आपने ले जाकर के गैस के ऊपर रखा, उसको अलग करने के लिए, जिससे कि उसमें से जो नमक है वो अलग हो जाए और खून अलग हो जाए, ताकि आपको खून मिल सके, है ना, क्लियर हो गया, बाकी काम तो अपने आप कर लोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जैसे साइंस से जोड़ा है, ऐसी आपको थोड़ी सी इमेजिनेशन चाहिए, परफ्यूम्स की डिमांड मार्केट में क्यों बढ़ी, क्योंकि क्योंकि आपकी बॉडी से एक ऐसा परफ्यूम निकलने लग गया जो आज से पहले इस दुनिया में किसी ने स्मेल किया ही नहीं था, तो उसकी डिमांड बढ़ गई, तो इस डिमांड सप्लाई का जो फंडा है उसको इस कहानी से जोड़ दो, ऐसे करके आप पूरी की पूरी कहानियां बना सकते हो अपने माइंड में, और इन कहानियों के बेस पे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, अब ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है।